खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर तहसील गाडरवारा में विगत दिवस रविवार को 10 नवंबर 2024 को नगर गाडरवारा में जिला स्तरीय कल्चुरी समाज का भव्य आयोजन हुआ। पूरे नगर में रथ ढोल बाजे बड़े ही धूमधाम के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात सुखदेव भवन में भव्यता के साथ सामाजिक सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान श्री शास्त्र बाहू जी की आरती उतारी गई। सामाजिक कार्यक्रम में समाज को गौरवान्वित करने वाले सामाजिक बंधुओं को साल श्रीफल शील माला आदि से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया एवं सुभाष राय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। इस कार्यक्रम में कल्चुरी समाज में पदाधिकारी गण सहित प्रदेश जिले तहसील ग्रामों से पधारे वरिष्ठ जन, माताएं, बहने, महिलाएं, युवा वर्ग आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। इस सफल कार्यक्रम से समाज की एकजुटता बड़े रूप में प्रदर्शित की गई। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि एक्स विंग कमांडर श्री विनोद राय, सामाजिक संत, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक श्री हरिशंकर जायसवाल, पूर्व विधायक श्री सुनील जायसवाल आदि कई लोग मौजूद रहे। क्षण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। ये हमारे संत, हमारे इस प्रोग्राम में आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और हमारे बीच एक ऐसा चेहरा कि एक ब्लॉक के काम करने के बाद, एक जब नरसिंहपुर में काम किया तो हमको किशोर भाई ने अपनी प्रेरणा से प्रदेश लेवल तक पहुंचाया। उसके बाद हमको हमारे मुख्य अतिथि विंग कमांडर साहब, जिन्होंने अभी भोपाल में सभी संगठनों को एक करके एक अपने सानिध्य में इतने बड़ा प्रोग्राम करके पहली बार भोपाल के मध्य प्रदेश के इतिहास में अपना एक रैली का प्रोग्राम किया। ऐसे मुख्य अतिथि के आतिथ्य में हम काम कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं कल्चरी महासभा के। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे जलपुर से पधारे मनोहर भैया, बड़े भाई, जिनको मैं जब से समाज में आया हूँ उसके पहले से काफी सक्रियता जलपुर में अपनी निभा रहे हैं, ऐसी मनोहर भैया को भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे भोपाल से पधारे हमारे संयुक्त सचिव प्रकाश राय, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे कल्चुरी वार्ता के संपादक, हमारे सहयोगी, और अगर मध्य प्रदेश में मुझे पत्रिका के माध्यम से अगर पॉपुलर भी किया, और मेरे भाई भी हैं ऐसे राजेश राय जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच हमारी जिला अध्यक्ष, हमारी भावी प्रदेश अध्यक्ष मनीष राय जी, और हमारी गाडरवारा की अध्यक्ष और श्वेता भाभी, सभी को प्रणाम नमस्कार। हमारे मनीष भाई, हमारे अनिल भाई और प्रखर भाई, सभी को मैं और सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और भोपाल से पधारी हमारी मराठा समाज, अभी तक किसी ने एक हमारी मराठा कला समाज के दो प्रतिनिधित्व जय वीरू की जोड़ी यहाँ आई हुई है, सभी से एक बार जोरदार तालियों से करता हूँ कि उनको अभिवादन भी है। एक छोटी संस्था जरूर है, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम भोपाल का नहीं है जहाँ इनकी उपस्थिति ना हो, और मेरे सबसे बड़े सहयोगी के रूप में ये वहाँ मेरे को साथ देते हैं। इन्हीं को सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जी भाई भी बैठे हैं, हमारे भाई बैठे, सबको नमस्कार। आज गाडरवारा इकाई ने एक जिले का यहाँ प्रोग्राम करके हमको जो सुभाष भाई के पास एक सपना था, एक साल से जब से सुभाष भाई का देवलगन हुआ है, मेरा जिले में कोई भी मीटिंग या कोई भी कार्य करने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि सुभाष भाई के जो सपने थे वो हमेशा कहते थे कि एक प्रोग्राम हमको गाडरवारा में बड़ा करना है, तो वो चीज मन में बार बार आती थी। और जब समय निकला तो आज का दिन हमने चयन किया कि यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें महिला इकाई, युवा इकाई और गाडरवारा की पूरी इकाई को हम धन्यवाद देते हैं। हमने तो सिर्फ अपना सहयोग या मार्गदर्शन प्रदान किया, लेकिन उस इकाई ने यहाँ एक कार्यक्रम करके हम जिले को गौरवान्वित किया है। पूरी इकाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई की पात्र हैं। शास्त्र और भगवान की जयंती में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मोल बात पे ये सभी मंचासीन और स्वामी जी के सामने मैं
आज यहाँ 4 साल कंटिन्यू जिला अध्यक्ष का हो गए, 5वां साल चल रहा है। स्वामी जी मैंने मीटिंग की थी और कहा था कि मैं 1 साल के लिए और अपना कार्यकाल बढ़ाऊंगा। मैं और किशोर भैया शस्त्र बाबू के मूर्ति में लगी है और प्रण करता हूँ कि जिस जिला इकाई में जब भी हम दोनों, पहले भैया मेरा सहयोग करते थे, अब हम दोनों पूरे जिला का सहयोग करेंगे। ये जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा अंतिम भाषण और अंतिम कार्य रहेगा। अगली मीटिंग में आप जिले के सभी बुद्धिमानी संरक्षक और सभी लोग बैठे हैं, अगली मीटिंग में हम अध्यक्षों के और संरक्षक के माध्यम से नए जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। इसलिए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अध्यक्ष के रूप में ये मेरा अंतिम भाषण अंतिम उद्बोधन है। इसलिए आपको मैं हाथ जोड़ के सबको इस 4-5 साल में अभी मेरे द्वारा कोई गलती हो, कोई किसी का दिल दुखा हो, तो सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम और माफी मांगता हूँ कि अगला कार्यकाल में जो भी अध्यक्ष बनेगा अगली मीटिंग में, मैं उसका भरपूर सहयोग तन मन धन से हमेशा इस जिले के लिए रहेगा और हमेशा रहता रहेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी का, पूरे पत्रकारों का, पूरे मीडिया का और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारे मनीष भाई जो हमारे घाटवाड़ा के अध्यक्ष बने हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूँ कि आपने इस बड़े स्वरूप को सभी सहयोगियों के साथ इतना बड़ा स्वरूप दिया। आप तो हमारे महामंत्री जो हमारे रूपेश भाई हैं, ये एक्चुअली मन संचालन करते हैं लेकिन अभी आगे पीछे आते नहीं हैं, इनको भी हम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी पूरी रूपरेखा में इन पूरी कमेटी के साथ मिलकर इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। हमारे जिला के उपाध्यक्ष आशीष भाई हैं, इन्हें भी पूरा सहयोग किया, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। हम मनीष भाई को सम्मानित करना चाहते हैं कि आज वो इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने हमको सफल बनाया, इसलिए मनीष भाई को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सबको प्रणाम, शेषों के चरणों में नमन, भारत माता की जय। कल्चरीकरण समाज द्वारा यहाँ एक भव्य गाडावारा इकाई के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम गाडावारा में किया गया, जो कि कीर्ति शेष हमारे सुभाष भाई थे, उनकी आज श्रद्धा हमने सुमन श्रद्धांजलि कहें, सब कुछ उनको आज अर्पण किया है और उसी के रूप में हमने शेषराव जयंती मनाई। तो बढ़ चढ़ के पूरे जिले से सभी इकाइयों के हमारे अध्यक्षों ने पूरी तन मन धन से पूरी सब ने बड़ा सहयोग किया, पूरी मातृशक्ति का भी बड़ा सहयोग। हम सभी को आज शेषराव जयंती में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चौक का भी पूछ लो, पर शेषराव चौक का भी शुभारम्भ हुआ, ये हमारे सुभाष भाई का सपना था, गाड़ावारा में एक शेषत्र चौक बने, जो कि हमारे पुराने अध्यक्ष अनित रविशेखर जायसवाल ने उसको आधा काम किया था और हमारे अभी रितेश भाई जो उपाध्यक्ष हैं, इनकी प्रयासों से रातों कल रात को ये बात हुई और रात को ने पूरा अपना प्रयास करके बात करके आज उनने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मिश्रा जी के द्वारा नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।